लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। बिहार में किशनगंज विधानसभा सीट पर AIMIM के प्रत्याशी कमरुल होदा ने बीजेपी की स्वीटी सिंह को हराकर चुनाव जीत लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली बार बिहार में अपना खाता खोल दिया है। सीमांचल के किशनगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार की जीत मिली है। इससे पहले इस सीट पर पार्टी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन वो तीसरे और दूसरे नंबर पर ही आती रही थी। AIMIM की जीत पर पार्टी के बिहार जनरल सेक्रेटरी ने बातचीत करते हुए इस जीत के कई कारण और बड़े कारण बताए हैं। बिहार AIMIM के जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक बताते हैं कि पिछले काफी वक्त से बिहार में पीड़ित और अल्पसंख्यकों की कोई सुनने वाला नहीं है। किसी और काम की तो छोड़िए, उनके मोहल्ले में पीने का पानी और साफ सफाई के लिए भी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। जबकि हमारी पार्टी के लोग सत्ता में न होने के बाद भी उनके लिए हर समय तैयार रहते हैं। इश्तियाक ये भी कहते हैं कि किशनगंज में कांग्रेस का सांसद पैच इश्तियाक ये भी कहते हैं कि किशनगंज में कांग्रेस का सांसद तो है, लेकिन उन्हें पीड़ित और जरूरतमंदों की याद तभी आती है जब वोट चाहिए होते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ाने की बारी आती है तो अपने लोगों को बढ़ावा देते हैं। मतलब इन्हें कमजोरों का वोट चाहिए, लेकिन न तो उन्हें आगे बढ़ने देंगे और न ही साफ पीने का पानी और मोहल्लों में सफाई देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जब तक बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव थे तो कमजोरों और पीड़ितों को कोई परेशानी नहीं होने देते थे। हर किसी की बात सुनी जाती थी, फिर वो चाहे कोई भी हो, गली मोहल्ले के छोटे छोटे काम के लिए कभी भी भटकना नहीं पड़ता था। इश्तियाक बताते हैं कि अभी हाल ही में भारी बारिश से बिहार में जगह जगह पानी भर गया था, लेकिन जब पानी उतरा तो बीमारियां फैल गई। ऐसे में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से डॉक्टरों की टीम भेजी थी। यह टीम एक महीने तक किशनगंज में रही। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।